106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान डॉक्टर कनन एक साइंटिस्ट है, तमिलनाडु से आते हैं। उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को तथा आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर सवाल उठाए हैं। दिस न्यूटन डिन अंडरस्टैंड, दिस आइंस्टाइन डिन अंडरस्टैंड। आइंस्टाइन मेड अ बिग ब्लंडर, इवन दो ही इज अ जीनियस, आई एम टेलिंग ही मेड अ बिग ब्लंडर। ही was guiding the world in a very, very wrong way. And if you see today, I have completely refined all the theories of Einstein. Dr. Kannan ne Einstein ki theory ko aur Newton ko galat theraya. To uske baare mein aap kya kya? Dr. Kannan jo hai, ek dusri category mein aate hain mere vichar se. Wo yuva hain, shodhkarta hain. और जो उन्होंने जो अपना काम दर्शाया वो आता है उस रेल में जिसे हम लोग कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। तो इवन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जिनके बगल में हम लोग जिनकी प्रतिमा के बगल में हम लोग बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत सा काम जो करा है अपना वो थॉट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही करा है। और जो इनकी थ्योरी है वो अभी तक 115 साल तक तो मतलब उसको अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके थॉट्स जो थे वो अभी तक हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे मिल रहे हैं। अब अगर डॉक्टर कन्नन के शोध से उनको कुछ नई विचार मिल रहे हैं और उनका थॉट एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने उनसे जो उम्मीद है मेरी वो ये है कि वो अपनी बात जो है अगर भारत में ही रखना चाहते हैं तो ऐसे संस्था में जा के रखें जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स पर विशेषज्ञ मौजूद हों और वो उनकी बात को समझें और उसमें अपनी टिप्पणी दें। दूसरा तरीका है कि जो जर्नल्स हैं, जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं फिज़िक्स में, एस्ट्रोफिज़िक्स में, भारत के उसमें या अंतर्राष्ट्रीय, उसमें अपनी शोध का जो पत्र है वो छापने के लिए पेश करें। तो ज़रूर उसमें भी उनको हो सकता है कि सक्सेस मिले और हो सकता है कि वो विफल हों, लेकिन विज्ञान का तरीका तो यही है कि आप जो है विशेषज्ञों के सामने अपनी बात रखें और जो आपने शोध करा है, जो आपने डेटा दिया है, जो आपने उसको एनालिसिस किया है, वो सब आप ऐसी जगह रखें कि उसको दूसरे लोग भी समझ सकें और फिर चाहे वो डिबेट में जाए, डस्टबिन में जाए या उसको एक्नॉलेज करा जाए, तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर कन्नन भी युवा हैं, वो अपना शोध करते रहें, अपने विचार रखें आगे और उसमें अगर उनको सफलता मिलती है तो सभ्यता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक नई चीज़ होगी, नई मगर समझ में आएगा लोगों को और शायद उसका उनका थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाए। जब तक तो ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट ही रह जाएगा और मैं कह नहीं सकता कि ये उनके कितनी उन्होंने गहराई से उस पर काम किया है और जो उनके मेंटर्स हैं, जो उनके गाइड्स हैं, वो कैसे उनको समझ रहे हैं इस चीज़ को और कैसे उनको गाइड कर रहे हैं, बट वो युवा हैं तो शायद आगे बढ़ेंगे जी। आई थिंक कि साइंस की भी यही प्रैक्टिस है कि अगर किसी चीज़ में सच्चाई है तो वो उससे बियॉन्ड कोई नहीं है, साइंस अल्टीमेट सच है। हाँ बिल्कुल, कि हम लोग कहते हैं जैसे कि बिलीफ सिस्टम्स हैं, लेकिन लॉजिक और लॉजिक के आगे बढ़ना, दैट इज़ व्हाट साइंस इज़ ऑल अबाउट, सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एवर फिनोमिना वी ऑब्जर्व। तो जो हम लोग का ज्ञान में वृद्धि होती है वो ऐसे ही होती है और हो सकता है कि जो हमारे कल की पकड़ थी किसी सब्जेक्ट में वो आज बदल जाए क्योंकि हम लोग को किसी और समझ से बेहतर उसको समझने में निकले तरीका। तो जैसे मेडिकल साइंस में खास होता है
जो कुछ हो सकता है कि छः पाँच छः साल पहले कुछ करा जा रहा हो उसकी पकड़ चेंज हो जाती है और आज के नई चीज़ निकल कर आती है। तो ये तो विज्ञान का तरीका है और इसीलिए हम लोगों के विकास हुआ है, समाज का भी विकास हुआ है और विज्ञान और ज्ञान का भी उसी तरह से विकास हुआ है। मेरा ख्याल है कि एक प्रक्रिया शुरू हुई है यहाँ पर, अगर इस प्लेटफॉर्म पे इंडियन साइंस कांग्रेस के, तो एक अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ना चाहिए और यही मेरा ख्याल है एक कारण है कि हम लोग हर वर्ष पिछले 106 साल से वैज्ञानिकों को न्योता देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं और कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझ पाते हैं।